हेलो दोस्तों, नए नए अपडेट लेने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल रॉयल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको रियल टाइम अटेंडेंस मशीन जो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम अगले 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने कंप्यूटर में रियल टाइम का सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर अपने कंप्यूटर में देखिए रियल सॉफ्ट 10.7, ये जिसका जो लेटेस्ट मॉडल है हमने ये डाउनलोड किया हुआ है। इसको आपने ओपन करना है। पहले राउंड में हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। इस सॉफ्टवेयर में आपने डाटा एंट्री कैसे करनी है स्टूडेंट्स की और या अपने एम्प्लॉय की, तो उसके बारे में। ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें यूजर नेम और पासवर्ड आपसे मांग रहा है। बाई डिफ़ॉल्ट इसका यूजर नेम पासवर्ड जो है वो RSS और पासवर्ड भी RSS होता है। आप जब भी नई मशीन लेके आते हो उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आ गया। आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, वो अगली वीडियो में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हमने देखा, जैसे दिखा रहा है कि 210 एम्प्लॉय हैं जिनमें से 33 प्रेजेंट है और 176 एम्प्लॉय अपसेट हैं। अब हमने फाइल में जाना है। फाइल में जाके सबसे पहले आपने अपनी कंपनी के बारे में डिटेल डालनी है। सबसे पहले कंपनी मास्टर। जब आप कंपनी मास्टर में आए, अभी तक हमने यहाँ पर कोई मशीन अटैच नहीं की हुई है, तो हम गए जैसे हमने ऐड करते हैं। आप चाहो तो पुरानी कंपनी जो डेमो कंपनी बनी होती है उसे क्लिक करके भी आप एडिट कर सकते हो। ये देखिए एडिट की ऑप्शन आ गई है। कंपनी आईडी 01, कंपनी का नेम, आप अपना एड्रेस डाल सकते हो, फ़ोन नंबर आपकी, इस तरह तो ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी जब आप स्टूडेंट डालते रहोगे, अपनी वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, जो भी आप पासवर्ड वगैरह डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। अगर आप चाहो कि आप नई कंपनी बनाना चाहते हो उसमें डेमो को नहीं छेड़ना, तो आप एडिट पे ऐड पे क्लिक करो। ऐड पे आपने कंपनी आईडी 0123 जो भी आप डालना चाहते हो, यहाँ पर कंपनी का नेम, मैं यहाँ पर RCCI इन्फो कर देता हूँ। यहाँ पर एड्रेस जो कि न्यू गुरु गोविंद सिंह नगर, नूरवाला रोड, लुधियाना। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर डाल दिया हमने। फैक्स, अगर आपके पास कोई फैक्स नंबर है आप डाल सकते हो, संतरित रहने दीजिए। वेबसाइट कोई आपके पास है तो डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस कोई है तो आप अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद ऐड करोगे आप, तो जैसे आप उसको पहले आपने सेव करना है, जैसे आप करोगे तो वो ऊपर आपकी कंपनी आईडी सारा कुछ बन के आ जाएगा। इसके बाद आपने करना क्या है, फाइल में गए, डिपार्टमेंट मास्टर। अब आपके पास डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास है यहाँ पर ऑलरेडी 01 टीचर्स, 02 स्टूडेंट्स के हमारे पास, क्योंकि जब एक इंस्टीट्यूट होता है तो उसमें दो ही आईडी होती है, या टीचर होंगे या स्टूडेंट्स होंगे। तो आप डिपार्टमेंट आईडी अगर आपने कोई डालना है, जैसे मैं डालता हूँ सुपरवाइज डाल लेता हूँ मैं, तो मैंने 0 आईडी है ऐड किया। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने पुराने जैसे डेमो वगैरह बना होता है ऑलरेडी, अगर आपने उनमें से किसी को बदलना है तो आप एडिट कर सकते हो। उसके ऊपर क्लिक किया जस्ट और एडिट कर दिया। तो नई आईडी डालनी है तो आपने 0 आईडी, यहाँ पर मैं डालता हूँ सुपर वाइज़र। तो इसको मैंने पहले सेव किया और फिर वो ऐड हो गया, अपना आप आ गया नंबर 4 नेक्स्ट आ गया। आप चाहो तो इसको डिलीट करने के लिए जस्ट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर ये देखो डिलीट की ऑप्शन नहीं आई। डिलीट की ऑप्शन लाने के लिए दोबारा से फिर आपको ये बंद करना पड़ेगा, दोबारा से डिपार्टमेंट मास्टर में जाना होगा। अब आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब देखो डिलीट की ऑप्शन है, एक्टिवेट होगी। आपने डिलीट किया, यस कर दिया, वो हट गया। आपने यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स को कुछ चेंजेस करनी है तो आप उसके ऊपर भी क्लिक करके एडिट करके, हम टीचर्स की जगह टीचर कर देते हैं, सेव, यस। देखें यहाँ पर क्लोज। तो अब हमारे पास 2 आईडी बन गई है, एक टीचर की, एक स्टूडेंट्स की। उसके बाद हम जाते हैं फाइल में डेजिनेशन मास्टर। डेजिनेशन मास्टर सेम है जो डिपार्टमेंट मास्टर है, इसमें भी आप अपने आईडी सेम उसी तरह से आईडी 01, और जैसे आपने पहले डाला है, अगर 01 पे टीचर है तो यहाँ पर भी 01 पे डेजिनेशन नेम टीचर कर दो। अगर यहाँ पर डेजिनेशन आईडी आपकी 02 पे, वहाँ पर मास्टर में आपके पास 2 है स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर भी आपको स्टूडेंट ही डालना होगा। इसको करने के बाद भी हम क्लोज कर देंगे।
फिर हम जाएंगे स्विफ्ट मास्टर। इसको ध्यान से देखिए, स्विफ्ट मास्टर में आपके पास तीन आईडी ऑटोमेटिक बनी होती है, जैसे जी, एन ए और एक्स। तो आम तौर पे जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है जो सुबह 7 बजे रन हो जाता है और शाम को 8:15 बजे क्लोज होता है, तो इसमें इन और आउट की टाइमिंग जो है वो हमें बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी। तो आप चाहो तो नया बना सकते हो, जैसे मैंने पहले कहा ऐड करके नया बना लो, और नहीं तो आप पुराने को ही आप एडिट कर सकते हो। अगर आपने एडिट करना है तो आपको तीन एडिट करने पड़ेंगे, दोनों एडिट करने पड़ेंगे, एक जी दूसरा एक्स, जहाँ का आपको दिक्कत ना हो। हम दोनों को सेम ही दे देते हैं। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, तो जैसे हमने जी पे क्लिक किया, इसको एडिट किया, अब आप ध्यान से देखिए, यह यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, कोड है जी, नाइट शिफ्ट एन, नो कोई नाइट शिफ्ट नहीं, हमारी डे शिफ्ट में चलेगा। इन टाइम के सबसे पहले जो पर्सन एंटर आए वो मशीन पे कितने बजे पंच करे, तो वह 6:30 बजे के, वो 6:30 बजे आ सकता है सुबह का, 06:30 यानी कि सुबह 6:30 पर वो एंट्री करें। और लास्ट टाइम मेरा 8 बजे इंस्टीट्यूट बंद होता है, तो मैं कहता हूँ अगर किसी वजह से हम रुक जाते हैं तो 8:15 बजे तक मैंने उसको अथॉरिटी दी है। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिक ही जो टाइमिंग है डल के आ जाता है। उसके बाद लंच टाइम, अब आम तौर पर क्या होता है कि किसी का लंच टाइम 11 से 3 है, किसी का 12 से 2 है, किसी का 1 से 2 होता है, कोई लंच ब्रेक रखता ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, लंच ब्रेक में मैंने ऑलरेडी टाइम डाल दिया, दोपहर के 2 बजे आउट हम लोग जाएंगे और 2:01 पे हम वापस आएंगे, यानी कि 1 मिनट का हमने लंच ब्रेक रखा। इससे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि इससे हमारी सेटिंग के ऊपर, लेकिन यह है कि इससे हमें लंच ब्रेक की जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हमने वीकली ऑफ, हम वीकली ऑफ कब करते हैं, तो वीकली ऑफ हमारा संडे का होता है, तो इसलिए हमने सेटअप 1 में संडे रख दिया वीकली ऑफ फर्स्ट। अब ये देखिए डेडिकेशन डिटेल्स, डेडिकेशन डिटेल में क्या है, मार्क एज एसएम फॉर वर्किंग हार लेस देन, तो मैंने 0:015 यानी कि 15 मिनट से अगर कम बच्चा इंस्टीट्यूट पर रहता है तो उसके हम एब्सेंट मार्क करेंगे। हाफ डे उसका कैसे करेंगे, अगर वो आधा घंटे तक इंस्टीट्यूट पर रहता है, आधा घंटे से पहले चला जाता, आधे घंटे से चला जाता है, तो उसको हम अटेंडेंस फुल नहीं मार्क करेंगे, उसके हम हाफ अटेंडेंस मार्क करेंगे। यह है ओवर टाइम, इसके बारे में खास ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने डाला है 10.00, यानी कि अगर कोई बच्चा सुबह आता है और किसी वजह से उसको टाइम नहीं लगा तो वो कहता है कि मैं शाम को आ जाऊँ सर, मैं दोपहर के आ जाऊँ, या मैं 2 घंटे लेट आऊँगा आज, तो अब हमने क्या किया उसमें, ये टोटल टाइम जो है इन आउट का टाइमिंग जो 13:45 आ रहा है, और ओवर टाइम ये टोटल जो टोटल है वो 24 घंटे का बनना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में आपको पता है 24 घंटे का ही दिन होता है, तो 24 घंटे से ऊपर जा नहीं सकता। तो जब 13:45 तो हमने वर्किंग में ले लिया अपना, अब ओवर टाइम क्या उसके बाद का ही होगा, तो मैंने 10 घंटे डाल दिया, यानी कि ये टोटल 23:45 का टाइम मैंने कंज्यूम कर लिया है अपना। तो इसको मैं सेव कर दूंगा और यस किया तो ऊपर की सेटिंग सेट हो गई है। अगर आप इसको एक्स वाले को भी क्लिक करके सेम इस तरह ही एडिट करके आप चेंजेस कर दो, यही बेटर है आपके लिए, वरना अगर आपने न्यू लेना है तो वो तो सिंपल है, आपने न्यू लिया, कोड आपकी मर्जी का, मैंने AL डाला, यहाँ पर मैंने डाल दिया कि सुबह 6:30 से पहले कोई नहीं आएगा, और 8:00 यानी कि 20 से लेकर 20 तक मैं रहूँगा। ऑटोमेटिक देखें यहाँ पर अपने आप ही 13:50 हो गए हैं। लंच टाइम मैं कहता हूँ लंच टाइम मेरा हो तो वो मेरा 1 घंटे का या 15 मिनट का रहे, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 0, ये डाल दिया 12:00 50 मिनट से शुरू करता हूँ मैं, और 13:00 इसको बंद कर देते हैं, यानी कि इससे 10 मिनट का, देखिए आपके सामने 10 मिनट लिखा रहा 0:10, ये 10 मिनट है। हाफ डे कोई है हमारा तो हाफ डे हम इंस्टीट्यूट वगैरह पे नहीं करते, या कंपनी में हाफ डे नहीं होता, इसलिए हमने हाफ डे कोई सिस्टम नहीं रखा। यहाँ डेडिकेशन, ये डिडक्शन जो डिटेल होगी कि हमने कितने कम से कम उसको अथॉरिटी दे कि वो कितने मिनट पर आए, तो हम कहते 15 मिनट में रखें उसको, अगर वो 15 मिनट के अंदर आता है तो ठीक है, वरना उसके ऑप्शन मार्क करेंगे। और वो कम से कम कितनी देर रुकना चाहिए, यहाँ पर 30 मिनट रुकना चाहिए, तब उसकी अटेंडेंस हम मार्क करेंगे। तो ये रखा हमने ओवर टाइम, ओवर टाइम आप चाहते हो ओवर टाइम आप डाल दो, नहीं चाहते आपकी मर्जी है, तो हमने डाल दिया 10 घंटे का, ये सेव किया, सेव करना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद आपने ऐड किया तो ये देखिए ऊपर AL का आ गया। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप क्लिक कर रहे हो तो डिलीट की ऑप्शन फिर बंद हो गई है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और शिफ्ट मास्टर में गए, अब AL पे गया, अब देखो डिलीट द्वारा एक्टिवेट हो गया, डिलीट किया, यस। अब हम फाइल में गए दोबारा से, शिफ्ट पैटर्न, यहाँ पर आपको किसी चीज़ को चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, क्लोज कर दिया। कैटेगरी मास्टर, कैटेगरी मास्टर में हमने कैटेगरी क्या बनाई है, तो आपने देखे मैंने जो कैटेगरी बनाई हुई है उसका आईडी है 01, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन है, जैसे स्टूडेंट से हमने STD डाल दिया, लेट अराइवल अलाउड, हम बता सके कि हमारा एम्प्लॉई या हमारा स्टूडेंट कितनी जल्दी आ सकता है। अब ये भी तो हो सकता है कि जिसकी टाइमिंग शाम की है वो कह दे कि मैं सुबह आना है, तो हमने क्या किया उसे 10 घंटे का टाइम दे दिया, क्योंकि हमने ओवर टाइम 10 घंटे का रखा हुआ है, तो यहाँ पर 10 घंटे लगा दिया कि वो 10 घंटे लेट भी आ सकता है, 10 घंटे जल्दी भी आ सकता है, तो यहाँ पर 10.00, यहाँ पर आपने बाकी 00 रहने देना है। अराइवल इग्नोर, कि वो इस चीज़ को इग्नोर कर दे कि अगर 10 घंटे पहले आ रहा है तो इग्नोर कर दे, ये ना है कि उसके मार्क लगा, उसके एब्सेंट मार्क कर दे, तो लेट भी सेम वैसे ही है भाई, कुछ चेंजेस करनी है, ऐड कर दिया आपने इसको, सेव और इसको क्लोज कर दो। जब हमारा कैटेगरी मास्टर हो गया, बाकी ये लीव मास्टर वगैरह हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम क्या करेंगे, जब हमने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डालने हैं तो हम एम्प्लॉय मास्टर में जाएंगे। जब आप एम्प्लॉय मास्टर में गए तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, आपने एम्प्लॉय मास्टर में जाने के समय पर्सनल डिटेल डालनी है अपने एम्प्लॉय की, जो पर्सनल डिटेल है उसमें एम्प्लॉय कोड है, आप अगर चाहते हो कि आपके एम्प्लॉय अगर वो 100 से ऊपर हैं और आप चाहते हो कि आप 50 से ऊपर है तो वो 2 डिजिट में 3 डिजिट में आपके एक्सेस करेगा, तो इस बात का खास ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हो कि आपके सारे एम्प्लॉय कोड सीरियल नंबर में आए, जो लिस्ट आपकी बने वो सीरियल नंबर में आए, तो आपको एम्प्लॉय कोड जो है वो 3 डिजिट में रखना पड़ेगा। 3 डिजिट का मतलब है कि अगर मान लो आपने एम्प्लॉय कोड 1 रखना है तो आप उसको सिंगल 1 नहीं रखोगे, आप उसको 001 रखोगे। फिर आपने जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम है, आपने नेम डाल दिया अपने स्टूडेंट्स का या एम्प्लॉय का, उसका फादर नेम, आप उसका एड्रेस, सिटी, स्टेट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जितनी डिटेल है उसकी, बर्थ डेट वगैरह आप चाहो डाल सकते हो, आपका मन है नहीं डालने का तो आप नहीं डालोगे, आप चाहो तो उसकी फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे आओगे, देखो जिनके आगे स्टार बना हुआ है ये मैंडेटरी फॉर्म है, यहाँ पर ये आपको डालने ही पड़ेंगे, इन्हें अगर आप ब्लैंक छोड़ोगे तो आपका रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पर जैसे ऐड पे क्लिक किया, अब मैं नया रिकॉर्ड डालता हूँ, मैं रिकॉर्ड नंबर डालता हूँ मान लो 786 डाल देता हूँ, और 786 के बाद मैं डालता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, मैंने अनीश मलिक डाल दिया, फादर नेम MD नसीम मलिक, एड्रेस 69, ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो डाल दो चाहे तो ना डालो। जितनी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो आप डाल सकते हो, बर्थ डेट वगैरह, ईमेल एड्रेस अगर आपके पास उसका है तो ठीक है, आपका उसका सेक्स और आपकी फ़ोटो भी आप अपलोड कर सकते हो जो आपने उसकी फ़ोटो ली हुई है। ये कंपनी आईडी, अब कंपनी आईडी में आपके पास ऑलरेडी क्या है, यही कंपनी है रॉयल कंपनी इंस्टीट्यूट, आपने सेलेक्ट कर ली। डिपार्टमेंट आईडी है तो ये टीचर है या स्टूडेंट्स है, हम कहते हैं ये टीचर है तो टीचर पर मार्क कर दिया, अगर स्टूडेंट्स होता तो स्टूडेंट्स पर मार्क करेंगे। डेजिनेशन क्या है, टीचर है एक, डेजिनेशन में क्या होता है कि जैसे एक सीनियर टीचर होता है एक जूनियर टीचर होता है, तो आप सीनियर जूनियर का भी अलग से सेट कर सकते हो। आगे कैटेगरी, कैटेगरी क्या रखी है हमने, ये स्टूडेंट्स की आईडी है, अब हमने एक ही कैटेगरी बनाई थी, टीचर की कैटेगरी तो बनाई नहीं है, तो हम यहाँ पर भी इसको भी स्टूडेंट्स ही मान लेते हैं अभी। अब ये हमारे पास ओवर टाइम अलाउड, OT अलाउड मतलब ओवर टाइम अलाउड, हम ओवर टाइम अलाउड करेंगे या नहीं करेंगे, हम कहते हैं यस। कई बार ऐसा होता है जो हमारे स्टूडेंट्स होता है वो 1 घंटे के बजाय 2 घंटे की शिफ्ट लगाता है, 3 घंटे की शिफ्ट लगाता है, तो हम इसको यस कर देंगे, हमने ऑलरेडी उसको दिया हुआ ना 10 घंटे ओवर टाइम लगा सकता है। तो ये एंटी रिक्वायर्ड वगैरह 2 यहाँ ऑलरेडी डिफॉल्ट है, आपने छेड़ना नहीं है। 2 का मतलब है
आने के अलग और जाने के अलग एंट्री एक्सेस करेगी। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय एक्टिव है या डीएक्टिव है। कई बार ऐसा होता है जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है, वो एक महीने के लिए दो महीने के लिए वो छुट्टी पर चला जाता है, तो आप उसका स्टेटस को डीएक्टिवेट कर दोगे। तो डीएक्टिवेट करने के बाद क्या होता है कि उसके लीव लग जाती है, उसकी एब्सेंट मांग नहीं होगी क्योंकि वो आई नहीं रहा ऑलरेडी। अब ये यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी मशीन में चाहे जो भी हो आपने 8 डिजिट में रखनी है। तो जैसे आपने 8 डिजिट में है, अब मेरे पास मैं एम्प्लॉय कोड के ही आईडी डालना चाहता हूँ, तो मैं पहला 0, 2, 0, 3, 4, 5 और 5 के बाद आगे डाले मैंने 7, 8, 6, यानी कि टोटल 8 डिजिट हो गई। यहाँ पर लिखा भी हुआ है 8 डिजिट। अब शिफ्ट टाइप एफ फिक्स है मेरी, यहाँ शिफ्ट 1 जी एक्स एन जो मैंने वो आपको बताया था डिफ़ॉल्ट 3 रहेंगे। अब मैं यहाँ पर इसमें जी में डाल दूँ या एक्स में डाल दूँ कोई फ़र्क नहीं क्योंकि मैंने दोनों सेम ही रखे हुए हैं, तो मैं जी में डाल देता हूँ। वीकली ऑफ फिर बता देता हूँ संडे। अब जैसे कि हमारे यहाँ ही रूल है कि हम लोग मंथ का लास्ट सैटरडे भी ऑफ रखते हैं। अब जो लास्ट सैटरडे होगा आप चाहो तो इनमें किसी में टिकट लगा दो, नहीं चाहते तो ना लगाओ क्योंकि जिस दिन ऑप्शन लगेगी सभी के लग जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 5th पे कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर मंथ जो होते हैं उनमें 4th वीक तो आ जाता है, 5th किसी किसी में आता है, अगर जो आएगा वो लास्ट ही होगा। तो 5th को तो मैं टिक लगा दिया, 4th को मैं इसलिए लगा था क्योंकि अगर आप इस पे टिक लगा दोगे तो जिस मंथ में 4 वीक होंगे वो तो ठीक, और जिसमें अगर सैटरडे 5 आ गए तो वो 4th को भी एब्सेंट मार्क कर देगा। शो ओवर टाइम, आपने ओवर टाइम देखना है। मैंने सेव किया इसको, यस ऐड, इसको कर दिया क्लोज। अब इस तरह से क्या नाम है, मैं अगर चाहूँ तो मैं बार बार ऐड पे क्लिक कर करके आप नए नए रिकॉर्ड आप डाल सकते हो। अगर गलती से कोई रिकॉर्ड आपसे गलत हो जाता है तो उसमें क्या करना है, उसमें एक बार इसको क्लोज करके एम्प्लॉय मास्टर में जाना है और आपने उस रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ये रिकॉर्ड है 143। अब ये सुन से डीएक्टिव हो गया यानी कि ये हट चुका है, तो अब मैंने इसमें चेंजेस करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर दिया। एडिट पे क्लिक करके एक तो ये था नो था, मैंने इसको यस कर दिया। अब वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हट चुका है, पर मैं एक्टिव स्टेटस को डीएक्टिव कर देता हूँ ताकि ये इसका रिकॉर्ड बनाए ना भी। सेव, तो ये एक बार ऐड किया, सेव करने के बाद वो ऑटोमेटिक उसके अंदर शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया। अब हम इसमें यहाँ पर हमारा काम जो है सोर्स बनाने का, एंट्री डालने का, यहाँ पर पूरा हो गया है। इसके बाद की जो सेटिंग है वो मशीन के अंदर है। आप चाहते हो कि मैं एक बार पूरी की पूरी लिस्ट कंप्यूटर में पहले बना लूँ और उसके बाद फिर मशीन की तरफ जाऊँ, क्योंकि बार बार मशीन में इधर उधर जाना पहली बार में हमें थोड़ा टफ लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने यहाँ पर रिपोर्ट में जाना है, रिपोर्ट में जाके अदर रिपोर्ट, अदर रिपोर्ट पे क्लिक किया तो यह है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। जब मैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय पे क्लिक करूँगा तो जो रिकॉर्ड मैंने कंप्यूटर में डाले हुए हैं उनकी एक फाइल बन के आ जाएगी, उनके नेम फादर जो जो डाटा मैंने डाला हुआ है, सीरियल नंबर के देखिए बिल्कुल सीरियल नंबर से आ रहा है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप इनके यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट निकाल लीजिए और प्रिंट निकाल के अपने पास रख लीजिए, जिससे कि आपको सोर्स के आईडी मैच करने में आसानी रहेगी। फिर बताता हूँ कहाँ से आइए, आपने रिपोर्ट में जाना है, अदर रिपोर्ट, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट बन के आ जाएगी। अब आप ये कार्ड नंबर या आप उसका आईडी नंबर वो आप अपने हाथ में, आपके पास लिस्ट बन के आ गई, आपने इस लिस्ट के हिसाब से आपने अपने हाथ में प्रिंट आउट ले लेना है या अपने हाथ में आपने एक लिस्ट मोबाइल में आप रख सकते हैं उसको पीडीएफ फाइल को, आप देख के आप जब सोर्स की एंट्री कराना चाहोगे आपने मशीन में इस बच्चे की सेम एंट्री डाल लेनी है। याद रखना दोस्तों कि कंप्यूटर में आपने पूरा डाटा डालना है और मशीन में आपने सारी चीज़ की जो है आईडी ही उठानी, उसने उसे कंपनी के वो वर्कर है, अपना टीचर है या स्टूडेंट्स है, उसे कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ उसके यूजर आईडी पता होगी, आपने सिर्फ यूजर आईडी का ध्यान रखना है वहाँ पर।
अब इसके बाद हमने जब प्रिंट आउट लगा लिए तो हमने मशीन के सेटअप में जाना है। तो ये मशीन का सेटअप कैसे होगा इसके बारे में डिटेल पहले आपको मशीन की दी जाएगी। तो ये वीडियो यहाँ तक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो इसके अगली जो वीडियो है वो अगले पार्ट में आपको दिखाई जाएगी। अगले पार्ट में आप मशीन में आपने स्टोन्स की एंट्री कैसे डालनी है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है, उसके आईपी कैसे सेट करने हैं, उसके पोर्ट कैसे सेट करना है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस चैनल को दोबारा से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि जो लोगों को एक अच्छी गायन जो है वो मिल सके और कम से कम उनका जो लोग ये जो सर्विस के नाम पे पैसा लेते हैं ये उनका बचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।